बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरिकाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन के और आलू के डोनट्स लेके आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये शाम को आप अपनी चाय में भी, चाय के साथ खा सकते हैं, ये बच्चों के लंच में भी डाल सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिए, ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। और ये मैंने चिकन का बोनलेस का पीस लिया है, ये एक पीस मैंने लिया है, 300 ग्राम होगा ये। और उसके अलावा मैंने ये सब्ज़ प्याज ली है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। नमक लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर लिया है, और आधी प्याली मैंने इसमें जो है मोज़रेला चीज़ ली है। तो सबसे पहले हम अपने जो आलू बॉईल किए हुए हैं इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ऐसे देखिए जी, आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए। अब इसमें हमारा अपना जो चिकन है, चिकन को ऐसे थ्रेड्स की शक्ल में ऐसे हम लोग इसे सारा मिक्स कर देंगे। देखिए चिकन को मैंने ऐसे सारा कर लिया है। इसमें हम अपने प्याज और हरी मिर्च ये और अपनी चीज़ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही मज़े का बनने वाला स्नैक्स है। आप खाएंगे, बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको मैं लंच में भी देती हूँ और शाम की चाय के साथ भी अक्सर मैं बनाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला जौन सा है नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, ये मैं थोड़ा सा जौन सा है 1 टेबल स्पून और डालूंगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप इस अपनी मर्ज़ी से इसमें और मिर्च ऐड कर सकते हैं। मसाला हमारा अच्छे से मैश हो गया, अब इसमें हम ऐसे एक पेड़ा लेंगे जैसे हम रोटी का लेते हैं, फिर उसको अच्छे से आपने ना ये देखें हर साइड से ऐसे दबाना है, और प्लेट में रख के कोई भी आप कैप ले लें किसी भी बोतल का ऊपर से, उसको आप दरमियान में ऐसे रख के ऐसे अगर ये ऐसे थोड़ा सा दबाएं, ऐसे उठाएं ये, इसको वापस डाल देंगे बाउल में, और ये देखें ऐसे हम अपने सारे डोनट्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। आपके सामने एक और बनाती हूँ। अगर आपकी डो बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप हल्का सा हाथों पे पानी लगा लें और ऐसे उसको अच्छे से दबा के ऐसे छोटा सा एक जैसे कबाब बनाते हैं ऐसे, फिर दरमियान में इसके ऐसे सुराख किया, ये देखिए, फिर इसको जोड़ के हल्का सा पानी लगा दे, इसे जुड़ जाएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर, ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया है, और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, अंडे में डालेंगे, और फिर उसके बाद हम ऐसे ब्रेड्स का हम इसके ऊपर लगा के सारे अपने डोनट्स ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए जी, डोनट हमारे जो उनसे ऐसे मैंने रेडी कर लिए हैं अपने। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ये ऑयल लेके इसको गरम कर लिया है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करूँगी, फुल आंच पे इसको मैंने नहीं बनाना। हम अपना ऐसे डोनट उठाएँगे और आहिस्ता से इसमें ऑयल में डाल देंगे,
राम राम से। और इसको हम ब्राउन कलर करना है हमने, गोल्डन ब्राउन। ये 2 मिनट हो गए हमें इन्हें फ्राई करते हुए एक साइड से। ये देखें नीचे वाली साइड पे बहुत प्यारा कलर, ऐसे गोल्डन कलर आ जाएगा। तो हम इसको दूसरी साइड से बड़े आराम से ऐसे पलटा के दूसरी साइड से भी हम इन्हें कलर दे देंगे। ये देखिए जी हमारे डोनट्स पे बहुत प्यारा कलर आ गया। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। डिश आउट कर दिया है तो मैं थोड़ी सी मेयोनीज लेके केचप ये देखिए जी हमारे डोनट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को बहुत पसंद होती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।